मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। ये वॉर रूम बीजेपी ऑफिस के रूप में ग्वालियर में तैयार किया गया है। यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर रणनीति तैयार की जाएगी। इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विजयदशमी अधम पर जीत का धर्म का पर्व है। विधानसभा में जीत को सुनिश्चित करने का दिन है। आज इस कार्यालय से होगा। हमारे सामने कांग्रेस और छोटे दल है। कांग्रेस असत्य का सहारा लेकर मैदान में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है लेकिन अपनी उपलब्धि गिनाते नहीं है क्योंकि पैरालिसिस की सरकार थी। के दिन समारोह होता है, उस दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन जगह जगह पे होते हैं। कल कन्या पूजन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिरकत कर रहे थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने कन्या पूजन को नौटंकी बताया। इससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। और आज जो तथाकथित कांग्रेस है तो वो सिर्फ मुखौटे के रूप में इस्तेमाल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई देश तोड़ने वाली जो मनोवृत्तियां हैं उनसे है। सनातन को समाप्त करने की जो मानसिकता है उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। और इसलिए हम सब जानते हैं क्या दशहरे का दिन है, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है।